आप जानते हैं कि आप सबसे तेज होते हैं जब आप तेजी में होते हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर आप तेजी में जाएंगे तो आपसे दुर्घटना होती है। इस तरह से आप संभालेंगे स्पीड को, और वो संभालने का काम करने वाले भी जब तक आज तक में रहे शशि शेखर ही रहे। संसद पर हमला हुआ, दोपहर की मीटिंग हो रही थी, एडिटोरियल मीटिंग, संसद पर हमले की खबर आई और किसी ने चिल्लाते हुए कहा कि मुलायम सिंह जी ने वहां गोली चलवा दी। देखिए, आप इमेजिन कीजिए कि न्यूज रूम में है, अभी खबर किसी को मालूम नहीं है, सिर्फ गोलियों की आहट किसी ने सुनी है, वहां से रिपोर्टर ने तुरंत फोन किया ऑफिस में और कहा कि वहां गोली चल गई। जिन्होंने फोन उठाया उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह ने गोली चला दी। भागा हुए गए वो PCR जहां पर जो कमरा होता है, जहां से हमारे, आपने देखा होगा मैं भी एंकर करता हूं तो हमारे कान में एक लगा रहता है ईयरफोन पे हमें बताते हैं कि अब आप ये बोलो ये बड़ी खबर आ गई। तो शशि शेखर जी भागते हुए गए PCR में, कहा कि मुलायम सिंह का नाम मत ले लेना, ये खबर अभी पुष्ट नहीं हुई है। ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं भी संपादक रहा NDTV इंडिया, मैंने शुरू किया। किस तरीके से संपादक का काम कितना महत्वपूर्ण हो जाता है टेलीविजन में। आप भागते हुए, मतलब आपसे 20-30 साल छोटे लड़के भाग रहे हैं, आप उनके साथ भागते हुए जाते हैं, बताते हैं कि रुक जाओ ये खबर, इसकी अभी पुष्टि नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये बहुत समझने की चीज है, और मुझे लगता है कि ये वो चीज है जो हमारी मीडिया में जिसकी आज एक तरीके से कमी है, और ये दिखाई दे जाती है क्योंकि टेलीविजन में और खासतौर पर ऐसे चैनल में जब आप कहें कि नहीं हम सबसे तेज होना चाहते हैं, तब आपको सावधान होना, तब आपको सच्चाई के साथ रहना, ये जो काम है वो एक बड़ा काम शशि शेखर जी ने वहां पर किया। एक तरीके से कहा जाता है कि दो नावों में पांव नहीं रखना चाहिए, पर शशि शेखर उन कुछ संपादकों में है जो वहां भी रहे और यहां भी रहे, दो नाव में रहे, और अब प्रिंट में भी दिखाई देते हैं, टेलीविजन में भी आपको ये दिखाई दे जाते हैं।